भारत माता की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मित्रों, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड, झांकियों के प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आत्मप्रकाश मिश्र आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सब आज अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और अब मैं देख पा रहा हूं सामने तिरंगे को छोड़े जाने का समय है। आसमान में ये तिरंगे झंडे छोड़े जा रहे हैं, ये सब ऊंचे आसमान की ओर जाएंगे और भारत को एक विश्व शक्ति बन रहा है भारत, ऐसा आभास हम सबको होगा। सिविल डिफेंस के ये तिरंगे झंडे मैं देख पा रहा हूं, मेरे दाहिनी ओर से परेड का आगमन हो रहा है। इन तिरंगे झंडों को इस नीले आसमान में बहुत ऊंचे उड़ने के लिए इनको छोड़ा जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इन झंडों को छोड़ रहे हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वंदे यही माता, कहूं भारत पे जाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों को, अगर फिर भारत में ही हो आना। इस प्रतिज्ञा के साथ हम सब भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं कि आज गणतंत्र दिवस की परेड के प्रत्यक्ष दर्शी गवाह बन रहे हैं। आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ते अग्रसर हो रहे हैं। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर श्री वत्सन सेना मेडल। मार्च 2016 को 4वीं बटालियन 3री गोरखा राइफल में मेजर श्री वत्सन ने कमीशन प्राप्त किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के पूर्व छात्र हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने उड़ी, भुज, सिक्किम और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर सेवा की है। तनी हुई गर्व के साथ तना हुआ माथा, ऐसी है हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मेजर श्री वत्सन तालियों के साथ स्वागत करें। उनके पीछे आ रहा है T-90 भीष्म टैंक। मंच के सामने से गुजरने वाला T-90 भीष्म रूसी T-90 टैंक का भारतीय संस्करण है और विशेष रूप से रूस और फ्रांस की सहायता से भारतीय इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस समय सलामी मंच के सामने T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए, उसके ठीक पीछे अथर्व टैंक भारत सेना के लिए बनाए गए हाइब्रिड टैंक का नाम है अथर्व और इसे T-72 टैंक की ताकत बॉडी है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की नली है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है भारतीय सेना के लिए बनाया गया हाइब्रिड टैंक अथर्व। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए अथर्व टैंक इस समय गुजर रहा है। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं BMP-2 टैंक। BMP एक शक्तिशाली आयुध और अत्याधुनिक रात में लड़ने की क्षमता वाला, एक गतिशीलता वाला इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है और इस वाहन को हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेड किया गया है। मित्रों, हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है, वो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाने की ताकत नहीं रख सकता। BMP टैंक आपकी तालियां बहुत हल्की हैं उन जवानों के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए जो अपना दिन रात भारत को दे रहे हैं, अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़कर, उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। और अब सामने से गुजर रहा है K-09 वज्र आर्टिलरी गन।
ये 155 मिलीमीटर तथा 52 कैलिबर टैंक द्वारा संचालित होविट्जर है। इसकी ये मजबूत नाल बता रही है कि इसे किस कितना मजबूत उपकरण है। इसे लार्सन टूप्रो द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K-09 वज्र आर्टिलरी गन, उसके ठीक पीछे आ रहा है लाइट स्ट्राइक LSV व्हीकल। लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का एक उन्नत संस्करण है और सेना ने SLV को उसके छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया है। यह आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल के परिवार का हिस्सा है। मंच के सामने से गुजरता हुआ LSV व्हीकल। LSV व्हीकल के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं